कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। जिस दिन उसके साथ ये बात छेड़ी, उसकी और मेरी दोस्ती में दरारें पड़ जाएंगी। तेरी ऐसा क्या कह रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तुम्हारी अच्छाई के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सुभाष का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जिसे तुम सुख समझ रही हो ना, वो दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है। मैं उसे जिंदगी भर खुश देखना चाहता हूं, इसलिए आज तक मैंने उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। उसकी हर जिद, हर फरमाइश पूरी की है। पर आज मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, अपने डैडी की बात मान लो। देखो, सुभाष बहुत अच्छा लड़का है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना वो तुम्हारा हो सकता है और ना ही तुम उसकी हो सकती हो। और अमिता, मुझे एक वादा करो कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अपर्णा। ओ, विजय बाबू का फोन आया था? नहीं। तूने उन्हें फोन किया था? बोलना। नहीं क्यों? क्यों? मने डर है प्रीति उन्हें कोई उल्टी सीधी बात ना कह दे। तुमने ऐसा लागे है कि वो ऐसा करेगी? जो लड़की घर छोड़कर जाने की हिम्मत कर सके है, वो कुछ भी कर सके है। लेकिन हम विजय बाबू को क्या जवाब देंगे कि प्रीति उनके साथ क्यों नहीं जा सकती? तू एक काम कर, तू फोन करके उन्हें वहां कह दे। ठीक है, कह देती। हेलो, विजय बाबू हैं? प्रीति, वो आ गए हैं, जल्दी से तैयार हो। मैं तैयार हूँ। और हाँ, देख, उनके साथ एकदम ठीक से रहना, कोई ऐसी बात मत कहना जो उन्हें बुरी लगे। जी। और हाँ, उन्हें अगर किसी से उस लड़की के बारे में पता चल गया हो और वो तुझे कुछ पूछे तो उन्हें कुछ मत बताना। तो क्या झूठ कहूँ उनसे? तो क्या सच कहेगी तू उनसे? तेरा किसी और लड़के के साथ संबंध था, ये बात वो सहन नहीं कर पाएंगे।
कुछ नहीं बताएगी तू उन्हें। जी हम चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। जी तेरी। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? ज्यादा दूर नहीं, बस एक छोटा सा ड्राइव लेकर आ जाएंगे। वो प्रीति के होने वाले पति हैं, जिनके साथ वो गई है। क्या बात, चौथी मंजिल पर शादी कर रहे हैं। लड़का और लड़की ने शादी से पहले एक दूसरे का घूमना फिरना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वैसे तो रोज ही अच्छी लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। प्रीति, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? आपको तो सब पसंद करते हैं। लेकिन तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? जी। अच्छा प्रीति, आज एक बात बिल्कुल सच सच बताना मुझे। ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो या कोई मजबूरी है? नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते चाचा। खुश रहे, कहाँ है देशमुख? डैडी ऊपर योगा कर रहे हैं। योगा? ये नया शौक कब से पाल लिया इसने? मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। रुक, मैं देखता हूँ जा कैसा योगा करता है ये। और कैसी है तू? भैया आपकी छोटी बहन है ना, बिल्कुल मजे में। आपको किसी ने कुछ कहा मेरे बारे में? नहीं प्रीति, ऐसी कोई बात नहीं, बस अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ। तो आपकी तसल्ली के लिए अगर मैं झूठ मूठ ही कह दूँ तो? देखो प्रीति, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना भी जानता हूँ उतना ही जरूर कह सकता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं खाओगे। तो सच ये है कि पहले मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन अब अपनी मर्जी से राजी हूँ। पहले राजी क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं किसी और को चाहती थी। अरे वाह भाई, मुझे तो ये पसंद है। अरे कमाल हो गया, मुझे भी यही पसंद है। अच्छा। चलो किसी एक मामले में तो हमारी सहमति हुई। अमिता, अच्छा है ना ये कार्ड? चाचा जी बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे ये कार्ड ज्यादा पसंद है। तो फिर ये कार्ड तो अपने पास ही रख। क्यों? तेरी ब्याह में यही कार्ड छपवाएंगे। कभी कभी ये बहुत अक्लमंदी की बात करता है। ब्याह हो जाएगा तो ये तो अकेली पड़ जाएगी। हाँ, कोई बेवकूफ सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी करा दूँ ना। चाचा जी, बेवकूफ तो क्यों? अरे भाई तेरी तो अगर वो भी अकलमंद हुआ तो तुम दोनों की निभेगी कैसे? क्यों देशमुख, ठीक है ना? भाई ये तो तू अमिता से पूछ, क्योंकि ये वही करने वाली है जो उसके मन में आएगा। हाँ, तू भी तो यही चाहता है कि तेरी बेटी अपने फैसले खुद करे। हाँ चाहता तो यही हूँ, लेकिन चौधरी जिस तरह हम दोनों ने मिलकर कार्ड पसंद किया ना, बहुत अच्छा लगा। जिंदगी भी इसी तरह, असली खुशी तभी मिलती है जब फैसले मिल मिल कर किए जाएं, एक दूसरे की सहमति से। हम
दोनों अक्सर मिला करते थे। फिर माँ और बाबूजी को पता चल गया। घर में बहुत हंगामे हुए। मुझे सबसे बहुत दुख होता था और बहुत गुस्सा भी आता था, क्योंकि मुझे उसे मिलने से रोकते थे। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूं। माँ और बाबूजी मुझे कितना चाहते हैं, और वो जो भी मेरे लिए सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। वो लड़का वो अभी तुमसे मिलने की कोशिश करता है? उसके कोशिश करने से क्या होता है, मैं उसे नहीं मिलना चाहती और फिर कभी नहीं मिलूंगी उसे। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। मैं तो ये देख रहा था कि तुम कितनी भोली हो, कितनी मासूम। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो अपने गुजरे हुए कल के बारे में कभी ना बताती। आप जानते हैं मैंने ये सब आपको क्यों बताया? क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पर यकीन है। वो कल जो बीत गया उसका आज मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मम्मी रुक, क्या बात हुई उनसे? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं, क्या कहने के लिए बुलाया था उन्होंने? कुछ नहीं मम्मी, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे, कुछ अपने बारे में बता रहे थे। वो बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। कुछ पूछा नहीं उन्होंने? पूछा था। क्या पूछ रहे थे? कि क्या मैं यह शादी अपनी मर्जी से कर रही हूं? तो तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा जो सबकी मर्जी है वही मेरी मर्जी है, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। ये और ये सारे। अब बता, अरे मैं से कौन सा कार्ड पसंद है तुमने? आपने कौन सा कार्ड पसंद किया है? अरे ये मैं क्या बताऊं, तू बता थारी पसंद क्या है। मैंने अगर कोई दूसरा कार्ड पसंद किया तो क्या वो आपको पसंद आवेगो? ये बात तो बड़े पते की है तुमने। इसके बारे में भी सोचूंगा। चलो पहले बता थारी क्या पसंद है। ये मैंने तो शुरू से यही कार्ड पसंद कियो है। कार्ड तो अच्छा है ही, दूसरी अच्छी बात यह है कि हम बहस से बच गए। जी मन्ने भी ये पसंद है। और देशमुख ने भी यही पसंद किया है। शुक्र है। अब जल्दी से छपवाइए, सबको निमंत्रण भी करना है, रिश्तेदारों की लिस्ट भी तैयार करवानी है। मारो बड़ा पुराना दोस्त है, उसको शादी में जरूर बुलाएंगे। मित्तल। मित्तल? अरे गंगापुर में घर था उसका, अक्सर हमारे गांव आया करता था। पूरा नाम है राजीव मित्तल। अरे वही मित्तल विलायत चला गया था, बड़ा शोर मचा था उस समय। छोटे से गांव का लड़का बिलाया जा रहा है। पता है मेरे पास, शादी का निमंत्रण जरूर भेजूंगा ऊपर। भेजू ना? जी, आपका पुराना दोस्त है तो जरूर बुलाएंगे। सबको बुलाएंगे, बड़े दिनों के बाद खुशी का मौका है। बड़े धूमधाम से शादी करेंगे अपने बच्चों की।
गजेंद्र बाबू आए हैं। गजेंद्र आने दो। नमस्कार सुमित्रा देवी। नमस्ते। ये नमस्कार का जवाब बड़ा रूखा था दिया आपने। लगता है मेरे आने की आपको खुशी नहीं हुई। कैसे आना हुआ? ताज्जुब है, पुराने रस्म रिवाज तहजीब सब भूल गई आप? भाई घर आए मेहमान की किस तरह खातिरदारी की जाती है ये तक याद नहीं रहा आपको? अगर मैं भूल गई हूँ तो आप ही याद दिला दीजिए, कैसी होती है खातिरदारी? पहले तो मेहमान का हंस के स्वागत किया जाता है, फिर पूछा जाता है आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे। बाबू इनके लिए चाय ले आओ। हद कर दिया आपने भी, खुद तो विस्की पिएंगे हमें चाय पिलाएंगे। अजी हुजूर शाम का वक्त है, किस कम्बक का चाय पीने का मूड होगा। बाबू विस्की ले आओ, आपका वफादार आपके इशारे का इंतजार कर रहा है। विस्की ले आओ। चौधरी साहब के घर में तो कोई शराब नहीं पीता, आपका गुजारा वहां कैसे होता है? मैं अपना बंदोबस्त कहीं भी कर लेता हूँ सुमित्रा देवी, पर जब मेरे पूज्य पिताजी मुझे नहीं रोक पाए तो पुरुषोत्तम क्या रोकेगा। नोश फरमाएंगे आप? जी नहीं। आपकी मर्जी भाई, मैं तो सोच के आया था कि यहाँ जश्न चल रहा होगा, हम भी उस जश्न में शामिल हो जाएंगे। जश्न किस लिए? अजी शादी की तारीख जो पक्की हो गई, हाथ ही निकल गया, दुम बाकी है। क्या मतलब? दुआ कीजिए आपकी असलियत का पुरुषोत्तम को ना पता चले, वरना सब धरा का धरा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। आप अगर अपनी जबान बंद रखेंगे तो कोई अड़चन नहीं होगी, और आप पूरा इत्मीनान रखिए आपकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। अरे देने के लिए आपके पास है क्या सुमित्रा देवी? ये दीवारें कितनी खोखली हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ पुरुषोत्तम से आपका समझाना हो जाए तो मैं सोचूंगा चुप रहने की कीमत वसूल होगी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप अपने भाई के इतने खिलाफ क्यों हैं? भाई मत कहो उसे, सौतेला है वो। मेरे हिस्से की जमीन जायदाद पिता ने सब उसके नाम लिख दी, उसने भड़काया था उन्हें मेरे खिलाफ। मैं शराबी हूँ कबाबी हूँ, इसने मुझसे नफरत करता है, अब वही नफरत मैं उसे लौटा रहा हूँ। आपकी कामयाबी और पुरुषोत्तम की बर्बादी के नाम, आप जैसे कमीने लोगों के साथ पुरुषोत्तम का रिश्ता हो जाए तो कुछ तो ठंडक पहुंचेगी मेरे कलेजे को भी। बच्चों के दुख सुख का साथी होता है माँ बाप का दिल, उनको कांटा चुभ जाए तो रोता है माँ बाप का दिल।